तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत टाइम से मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए हैं इस कॉइन के ऊपर, जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें की हैं, मैंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये कॉइन कितना अच्छा था। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जो भी चीज़ें मैं पढ़ रहा था या मैं देख रहा था या मैं सुन रहा था, उसके आधार पर मैं आज इस वीडियो में आपसे 4-5 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा और बताऊंगा कि क्यों आपको अभी इलेक्ट्रोनियम बाय नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं कॉइन ज्ञान। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हुए हैं और आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते दोस्तों हमारे आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको उन 5-6 पॉइंट्स के बारे में बताऊं या उनके बारे में बात करना स्टार्ट करूं, सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं इलेक्ट्रोनियम के चार्ट के ऊपर। और फिलहाल आप इसे देख सकते हैं, आज है 20 अप्रैल 2019 और आज की तारीख में इलेक्ट्रोनियम 102 नंबर पे है। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो वो और भी बदतर हो चुका है, 0.005 US डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो 30-35 पैसे में है। मतलब जहां हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 40 पैसे से ऊपर जाके 60 पैसा 80 पैसा 1 रुपीज़ तक आ गया था, और लग रहा था कि जितनी भी अच्छी न्यूज़ आ रही थी उस समय, चाहे वो MWC की तरफ से आ रही हो, चाहे वो हुबोए पे लिस्टिंग की बात हो या और भी जो भी इनकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उसके बावजूद जो प्राइस है वो गिरता जा रहा है, साथ ही साथ रैंकिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट ऐसा लग रहा है कि बस ज़ीरो ही शो कर रहा है और इसके ऊपर जाने के आसार भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मेरे उन पॉइंट्स के बारे में जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जहां पे मैंने इसके बारे में बात की है, साथ ही साथ इसकी प्रेडिक्शन और उसी कंक्लूजन के ऊपर भी मैंने इसके अंदर बताया है। तो जो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों वो ये है कि इसकी जो रैंकिंग है इस समय क्रिप्टो मार्केट में वो 102 नंबर पे है, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि इसकी जो प्राइस और रैंकिंग दोनों ही नीचे गिरते जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो इसका काफ़ी नेगेटिव ROI के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेगेटिव ROI मतलब हो गया आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस समय इसका जो है 94.75% ये है कि आपका जो रिटर्न होगा नेगेटिव में जाएगा, ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि इसकी जो करंट कॉइन सर्कुलेशन है कॉइन मार्केट कैप में वो है आपकी 9.3 मिलियन, जो कि इसके मैक्सिमम सप्लाई कॉइन से बहुत ज़्यादा कम है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके प्राइस के और इसके रैंकिंग का नीचे आने का। और आखिरी पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि इसकी जो प्राइस है, चाहे वो USD में हो चाहे वो BTC में हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर इसकी प्राइस, जिसमें मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, 0.005 USD में है और BTC में तो 94 सतोशी पे चला गया है ये, और इस USD को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो 30-35 पैसे के बीच में कहीं पर आता है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है और ये अपने निचले प्राइस पर आ चुका है जो अब तक नहीं गया था। रही बात प्रेडिक्शन की दोस्तों, तो बस यहाँ से यही बोलूँगा कि ईटन का जो जर्नी है पूरी वो बिल्कुल अब डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, काफ़ी नीचे जा रहा है ये। और यहाँ से अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो प्राइस दोस्तों वो और भी नीचे जा सकती है, या 20% के आसपास ये अपना और भी वैल्यू नीचे गिर जाएगा, और जो प्राइस है शायद वो आपको 0.004 US डॉलर में भी आपको देखने को मिल सकती है। और शायद मेरे ख्याल से 2 दिन पहले या शायद कल ही मैं इसकी प्राइस को यहाँ पर टच करते हुए देखा था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे ये प्राइस फिर से आ सकती है। उसके बाद ये हो सकता है कि शायद कॉइन में थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, लेकिन वो हैवी ग्रोथ नहीं होगा जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से, कि हमें फिर से वो प्राइस देखने को मिले जो हमने 2017 में देखा था, 15-16 रुपये वाला प्राइस मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लास्ट में बात करूँगा दोस्तों कंक्लूजन की कि हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें कोई भी साइन नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे इस समय इलेक्ट्रोनियम के ऊपर बुल रन आने की संभावना है। तो सभी इन्वेस्टर से बस यही मैं कहना चाहूँगा कि कुछ टाइम के लिए आप इस कॉइन को अवॉइड करें,
इस पे इन्वेस्टमेंट ना करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी इस कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको इस क्वार्टर के एंड तक आपको वेट करना चाहिए, मतलब कि आपको जून के एंड तक वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई फैसला उठाएं इस कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। तो गाइज ये थे वो रीज़न जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जहाँ पे मैंने पॉजिटिव बातें की हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद कि कोई आदमी मेहनत कर रहा है उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके तैयारी में उसके काम में कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, इसीलिए शायद रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सारी अचीवमेंट्स हो गई, सारे अनाउंसमेंट हो गए, लेकिन उसके बाद भी प्राइस और रैंकिंग दोनों नीचे जा रही है, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो इसीलिए बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस समय आप इलेक्ट्रॉनिक में इन्वेस्ट ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों शेयर कर सकते हैं और आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।